अस्सलामुअलैकुम, सालेहा अली व्लॉग में वेलकम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपने किचन में अपने स्टाइल से मिक्स चिकन वेजिटेबल बना रही हूँ। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 दरमियाने साइज़ के आलू चाहिए, इनको फिंगर चिप्स की तरह काट लें। एक छोटा बंद गोभी का फूल, इसको भी बारीक काट लें। एक दरमियाने साइज़ का प्याज, इसको चॉप कर लें आमलेट जैसा। एक प्याली फूल गोभी बारीक काट कर, आधी प्याली शिमला मिर्चें बारीक काट लें और एक कप गाजरें बारीक काट लें। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। 2 टेबलस्पून चिली सॉस, एक टमाटर की पेस्ट बना लें और 1 टेबलस्पून हॉट सॉस चाहिए, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 पाव चिकन को मैंने बॉईल करके बारीक कर लिया है। स्पाइसेस में नमक 1/2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा चाहिए हमें और 1 टेबलस्पून हमें चिकन पाउडर चाहिए। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम लाइट फ्राई करेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया, अब इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे। इसको हम 1 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें टमाटर पेस्ट ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें इसका पानी ड्राई कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इसका पानी ड्राई हो गया। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए, अब इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, बॉइल्ड चिकन। चिकन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसमें। अब हम इसमें हॉट सॉस ऐड कर देंगे, ग्रीन चिली भी डाल देंगे और सोया सॉस भी डाल देंगे। इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम केचप भी इसमें डाल देंगे। अब हम इनको 1 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छी तरह से। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। चिकन हमारा हो गया रेडी। अब इसमें वेजिटेबल ऐड करते हैं हम। शिमला मिर्च ऐड करते हैं, गाजरें, फूल गोभी। अब हम पहले इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें बंद गोभी भी डाल देंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब आलू भी इसमें डाल देंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही कलरफुल लग रही है। अब हम इसे दम पे रख देंगे 10 से 12 मिनट ताकि हमारी सारी वेजिटेबल गल जाएं। हम दम पे रख देते हैं। 10 से 12 मिनट हो गया, अब हम इसे देखते हैं। वाह, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। मिक्स चिकन वेजिटेबल हमारा तैयार है। बहुत ही झटपट सी रेसिपी थी आज की। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा।
मिक्स चिकन वेजिटेबल हमारा रेडी है। बहुत ही झटपट सी रेसिपी थी आज की। मिक्स चिकन वेजिटेबल हमारा रेडी है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी थी ये। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट्स में बताइएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और न्यू देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सामने बेल के बटन को प्रेस करें, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।